खोज खबरमा रेखा छेत्रीको नमस्कार। सुरु गरौँ आजका प्रमुख समाचारबाट। सिक्किमका सांसद इन्द्रहाङ सुब्बाले संसदमा उठाए राष्ट्रिय राजमार्ग 10 को शोचनीय अवस्थाको मुद्दा। राजमार्ग 10 को विकल्पको रूपमा बाग्राकोटदेखि गान्तोकसम्मको सडक निर्माण कार्य चाँडो पुरा गर्नुपर्ने गरे माग। जिल्लाभरिबाट पार्टी प्रतिनिधिहरूलाई लिएर गोजमुमोको साङ्गठनिक सभा सम्पन्न। मोर्चाले शिक्षितहरूलाई दिने नेतृत्वको मौका। अनि भाजपाले गोर्खाहरूलाई फेरि पनि लट्याइरहेको गोजमुमोको आरोप। अनि थापाले भने कसै न कसैले जनतालाई सत्य कुरा बुझाउन निस्कने पर्छ अगाडि। सिक्किमका सांसद इन्द्रहाङ सुब्बाले आज संसदमा राष्ट्रिय राजमार्ग 10 को शोचनीय अवस्थाको कारण सिक्किमले यातायात सम्बन्धी भोग्न परिरहेको असुविधाहरू उठान गरे। उनले राष्ट्रिय राजमार्ग 10 को विकल्पको रूपमा पश्चिम बङ्गालको बाख्राकोटबाट रिनक हुँदै गान्तोकसम्म पुग्ने सडक मार्गको निर्माण कार्य चाँडोभन्दा चाँडो पूर्ण गरिन पर्ने माग गरेका छन्। माननीय सभापति महोदय, आज यस सदन पर रोड ट्रान्सपोर्टेसन एन्ड हाइवे मिनिस्ट्रीकै 2019-2020 बजेटको समर्थन गर्ने के लिए खडा हुआ हुँ। और मैं ऐसे राज्य से हूँ, ऐसे राज्य को रिप्रेजेंट करता हूँ जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में से एक है, और छोटी सी राज्य सिक्किम जो दार्जिलिंग के पास में ही है। लेकिन मंत्री जी से एक छोटी सी सुझाव रखने के लिए खड़ा हूँ। जो एक राज्य है जिसकी पूरा इकोनॉमी टूरिज्म में डिपेंडेंट है, और टूरिज्म से जितने रेवेन्यू स्टेट को आता है ये ट्रांसपोर्टेशन में और हाईवे में बहुत डिपेंड करता है। लेकिन आज तक सिक्किम को भारत के बाकी राज्यों से जोड़ने के लिए केवल एक राजमार्ग है, नेशनल हाईवे नंबर 10। तो उस राजमार्ग अगर कहीं पे बंद हो जाए तो सिक्किम के लिए बहुत मुश्किलें पैदा हो जाती है। और सिक्किम ऐसा राज्य है जहां पे 5 महीने से ज्यादा मानसून रहती है, वहां पे ज्यादा बारिश होने की वजह से बहुत बहुत ही लैंडस्लाइड्स होते हैं। लैंडस्लाइड्स की वजह से ये राजमार्ग NH-10 लगभग मानसून के समय में ज्यादातर बंद रहते हैं, और अभी भी मल्टीपल लैंडस्लाइड्स की वजह से NH-10 बंद होने की वजह से ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ही तकलीफ झेलनी पड़ती है। तो इंडिया में, भारत देश में ट्रांसपोर्टेशन में अगर देखेंगे तो 60% गुड्स ट्रांसपोर्टेशन और 85% पैसेंजर ट्रैफिक रोड के माध्यम से होते हैं। लेकिन सिक्किम ऐसा राज्य है जहां पे 100% गुड्स ट्रांसपोर्टेशन और 100% ट्रैफिक ट्रांसपोर्टेशन रोड के माध्यम से ही होती है। वहां पे रेलवे नहीं है और एक ही हवाई अड्डा है जो भी मौसम की वजह से अभी बंद पड़ा हुआ है। तो मंत्रालय से हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, जो 2015-16 में नोटिफाई किया गया एक अल्टरनेटिव राजमार्ग जो बंगाल से गैंगटॉक तक की 242 किलोमीटर की एक अल्टरनेटिव हाईवे सैंक्शन की गई थी, वो जल्दी से जल्दी अगर कंप्लीट किया जाए तो सिक्किम के लिए अगर एक हाईवे बंद भी हो जाए तो दूसरे हाईवे के माध्यम से सिक्किम का ट्रांसपोर्टेशन इजी हो जाती है, और सिक्किम के जितने भी जनता है उन लोगों को सुविधा मिल जाती। और सिक्किम ऐसा राज्य है जहां पे 3 देशों के साथ बॉर्डर शेयर करती है, उनमें से सबसे सेंसिटिव बॉर्डर चाइना बॉर्डर है। और सिक्किम न्यूज में था जबकि दोकलाम में इंडिया और चाइना के बीच स्टैंड ऑफ हुए थे, तो उसके लिए भी
जो चाइना बॉर्डर की तरफ जाने का जो राजमार्ग है वो राजमार्ग भी अभी बहुत पैथेटिक कंडीशन में है। जो कंडीशन को ठीक करवाने के लिए मैं मंत्रालय से निवेदन करना चाहूंगा कि उस हाईवे जो नॉर्थ सिक्किम में चाइना बॉर्डर तक जाती है, जितने भी हाईवे बॉर्डर तक जाता है उस हाईवे को जल्दी से जल्दी उसके कंडीशन ठीक करवा के भारत देश के सिक्योरिटी में भी बड़ा कदम होगा। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चालाई सांगठनिक रूपमा दरिलो बनाउने उद्देश्यले आज गोजमुमो महासचिव अनित थापाले कालेबुङ जिल्लाभरिका मोर्चा नेतृत्वहरूसित बैठक गरे। बैठकमा मुख्य गरी पार्टीमा बिस्तारै फेरबदल ल्याउँदै अनि शिक्षितहरूलाई नेतृत्वको जिम्मेवारी दिने विषयमा चर्चा भएको छ। होम्स परिसरमा अवस्थित सार्वजनिक भवनमा सम्पन्न सभामा कालेबुङ जिल्लाको 13 समष्टिका पार्टी प्रतिनिधिहरू उपस्थित थिए। मोर्चा महासचिव अनित थापाको विशेष उपस्थितिमा सम्पन्न सभामा कालेबुङ जिल्ला अध्यक्ष सञ्चबीर सुब्बा, केन्द्रीय समिति सदस्य रुदेन सादा, नगरपालिका अध्यक्ष रवि प्रधान साथै जिल्ला समितिका प्रतिनिधिहरू उपस्थित थिए। सभामा मुख्य गरी सङ्गठनलाई कसरी सुदृढ गर्न सकिन्छ भन्ने विषय चर्चा परिचर्चा भएको थियो। विशेष गरी थापाले पार्टीमा शिक्षित व्यक्तिहरूलाई अघि ल्याउनुपर्ने कुरामा जोड दिएका थिए। बैठकपछि पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै उनले पार्टीमा बिस्तारै फेरबदल ल्याउने काम भइरहेको अनि शिक्षितहरूलाई अघि ल्याइने बताएका छन्। पार्टीमा हामीले बिस्तारै फेरबदल ल्याउँदैछु। हेर्नुहोस्, जतिसुकै भयो भने समाजले शिक्षाविद लन्डेड मान्छे नै खाँचो हुन्छ। हेर्नुहोस्, मैले भन्दैछु, मैले म आफू काम गर्दाखेरि जहिले पनि आफूले आफूलाई म शिक्षित व्यक्तिहरूलाई अगाडि राखेर म काम गर्ने गर्छु। त्यो हाम्रो समाजलाई, हाम्रो समाज साँच्चै नै राम्रो जोडाउनु हो भने त हामीले उहाँहरूलाई गएर रिक्वेस्ट गरेर पनि उहाँहरूलाई हामीले अगाडि सार्नु जरुरी छ। राजनीति गर्नु इम्पोर्टेन्ट मात्रै होइन, कालेबुङको लागि राम्रो हुनुपर्छ, दार्जिलिङको लागि राम्रो हुनुपर्छ, खरसाङको लागि राम्रो हुनुपर्छ, मिरिकको लागि राम्रो हुनुपर्छ। त्यो सोच राख्नुपर्छ, म लिडर हुनुपर्छ, म सधैँ चेयरम्यान हुनुपर्छ भनेर सोचेर काम गर्नु हुँदैन। हाम्रो जातिलाई, हाम्रो सोसाइटीलाई हामीले अगाडि कसरी लानु, त्यो सोच पनि बनाएर काम गर्नुपर्छ हामीले। बैठकपछि पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै मोर्चा महासचिव अनित थापाले भाजपाले फेरि पनि गोर्खाहरूलाई धोका दिएको आरोप लगाएका छन्। उनले गोर्खाहरूको नाममा जनतालाई लट्याउने काम मात्र भइरहेको अनि यसबारे बुझाउनु पर्ने बताएका छन्। जसले गोर्खाल्यान्डलाई डिमान्ड लगेर भोट हालेर पठायौँ, हामीले यत्रो जितायौँ, भोट सक्ने बित्तिकै गोर्खाल्यान्ड हुँदैन भन्दैछ। अब त्यो अहिले हामीले जो हाल्यौँ, अब यसको लागि त हामीले पनि तिनीहरूलाई साह्रो धोका भयो नि भाइ। हामीमा धोका भएको मात्रै हामी बोल्दैछौँ त अहिले। मान्छेले यत्रो डरलाग्दो दुःख पाइरहेको छ, यत्रो डरलाग्दो बिजेपीले तपाईँहरूलाई हाम्रो राज्य विस्तार एमपीलाई भोट हालेर दियो, त्यत्रो 4-5 त्यहाँनिर हात भएर टिस्टामा बसिरह्यो। आर्मी डिप्लोय गर्नु सक्नु त पहिला एमपीहरूले छिटो हुन्थ्यो, हामीले गर्दा त हामी गएर त्यहाँ पनि गभर्मेन्टलाई चिठी लगेर हिजोदेखि त्यो आर्मी नेभी डिप्लोय गर्ने काम भयो। र तपाईँहरू सोच राख्नुहोस्, यहाँ थिएन, म वेस्ट बेङ्गलमा बसेर दिल्लीमा ताकेर हुन्छ, 10 दिल्लीमा ताक्यौँ हामीले, 15 भयो, र 15 दिल्लीमा ताक्दाखेरि जिताएर पठायौँ नि हामी लिडरहरूलाई। जाने बित्तिकै हेर्नुहोस्, यहाँबाट गोर्खाल्यान्ड भनेर गयो, जाने बित्तिकै उनीहरूले फेरि रङ चेन्ज गर्यो। हिजो अस्ति स्टेट भाइस प्रेसिडेन्ट त खुल्ला हामीले पनि भन्यो, फेरि त्यो गोर्खाल्यान्ड हाम्रो मुद्दा होइन भनेपछि हामीलाई गोर्खाहरूलाई लटाउने काम भएको हो नि त। र कोही न कोहीले यसलाई प्र्याक्टिकल सिद्धान्त यो चिज के हो भनेर बुझाउनु निक्लिनुपर्छ। हेर्नु, र यही लाइनमा बुझाउँदा मैले 1,02,000 भोट पाएको हो, तपाईँलाई थाहा छ। अब यो बढ्दै जान्छ, नेक्स्ट भेटमा घट्ने होइन। हेर्नुहोस्, यो चिज बुझेर त्यत्रो त्यहाँको हस्ती नेता, तपाईँहरूले देख्नुभयो जिएनएलएफको हस्ती नेता पनि यो चिज चाहिँ होइन रहेछ, अनित थापाको र विनय तामाङको सिद्धान्त नै ठिक रहेछ भनेर हिजो अस्ति भोटमा हाम्रो एमपीको लागि प्रचार गर्ने व्यक्ति अहिले हामीसँग छ। यही हो तपाईँहरूको अगाडि इक्जाम्पल। हस् त, आजको कार्यक्रमबाट बिदा पाऊ। अन्य समाचारहरूको निम्ति हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। नमस्कार।